हाय गाइस, नमस्ते सबको। आज हम परिवार सहित टूर पे जा रहे हैं और ये मेरी छोटी गुड़िया हैं और ये वाली बड़ी गुड़िया हैं जिसने पेंटिंग बनाई है। ये है, ये सबसे लाडली गुड़िया हैं ये है। और हम सभी गुजरात जाएंगे पावागढ़ दर्शन के लिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हम हर जगह पे वीडियो शूट करके आपको बताएंगे। और ये हमारा भाइयो है, हाय बोल। हाय बोलो। हाय। हाँ, हम जाएंगे और आपको सभी को टूर के बारे में, दर्शन के बारे में बताएंगे। देखते रहिए, आगे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सफ़र भी बताएंगे। सुंदर सुंदर पहाड़, पौधे, पेड़ सब बताएंगे। अब हम निकल रहे हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरे बच्चे हैं। हाय नंदू। हाय। अब हमारी फोर व्हीलर से जाएंगे, अब निकलेंगे। अलीराजपुर आ गए हैं। ये अलीराजपुर का बाजार है। यहाँ पे यहाँ भीड़ बहुत है। ये देखो, ये यहाँ के बाजार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं बाजार करने। इस प्रकार से भीड़ लगती है। यहाँ का पैरवाज भी इस प्रकार से रहता है लोगों का। आदिवासी इलाका है, छोटी छोटी सी दुकानें लगती हैं यहाँ पर। कभी कभी आते हैं तो गांव का नाम भूल जाते हैं। We can have it yours, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. First even cruise, no. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I've been lost, I'll be found in the broken, a way out in the crowd feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, time so. पहुंच गए हैं। अभी ट्रैफिक जाम हो गया है और यहाँ पार्किंग में हम लगाएंगे अभी गाड़ी। ये सब बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई और पार्किंग में जा रहे हैं हम। पावागढ़ के ये माची पे आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और बहुत सारे ढेर सारे गाड़ियाँ हैं। कल छुट्टी हो और आज छुट्टी होने की वजह से
बहुत सारी पब्लिक आई है और हम अभी जाएंगे लिफ्ट में और जाते जाते भी आपका आपको दिखाएंगे। पैदल पैदल जा रहे हैं लिफ्ट की ओर और हाँ, नंदू मुस्कान, लल्ला, लल्ली, ये सब आज तो बहुत भीड़ है और आगे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं। ये देखो कितनी भीड़ लगी है, गाड़ियाँ हैं। नई मंदिर बनी है, उसकी शूटिंग भी करेंगे माता जी की। अब हम लिफ्ट के पास आ गए हैं और बहुत जल्दी लिफ्ट में बैठ के आपको बताएंगे कि नज़ारा क्या है। यहाँ बैठ गए हम और 6 मेंबर बैठते हैं इसमें और 6 पूरे बैठ गए। देखो मैं बताता हूँ, ये लल्ली, नंदू मुस्कान, लल्ला, मैं, लल्ला की मम्मी, जा रहे हैं लोग, इधर भी आ रहे हैं, इधर से
माता जी के यहाँ धाम में आ गए हैं। तालाब आए हैं, तालाब में हाथ पैर धोएंगे। ये है तालाब माता जी का, ये माता जी की मंदिर। ये सभी अभी हाथ पैर धो के दर्शन करेंगे। जय माता दी। हम तो ये मुस्कान चल लली खाने, हाथ पैर जल्दी। अरे मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। गाय कितना सुंदर हो गया है नज़ारा। देखो माता जी का भी मंदिर नए निर्माण हो गया है। ये हम पास में खड़े हैं। जय भोलेनाथ। जा रहे हैं फ्रेंड लोग, परिवार मेरा, माता जी के दर्शन के लिए। अब तालाब में हाथ पैर धो लिए हैं और तभी आप माता जी के आगे जा रहे हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर और है माता जी का। थक गए तो बैठ गए। देखो यहाँ से नज़ारा, देखो तालाब का कितना सुंदर लग रहा है। माता जी पास में है।
अब वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगी। माता जी के दर्शन बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी मंदिर है, जो कभी भी आप आओ तो बिल्कुल माता जी के दर्शन करने आना। बहुत बढ़िया नई मंदिर का निर्माण किया है। और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट तक वहाँ उड़न खटोला के इधर, चलो। वापस आ गए हैं और लाइन में खड़े होकर लिफ्ट पे वापस आ रहे हैं। ये देखो ये लिफ्ट है, हम बैठेंगे अब नीचे जाएंगे। अभी लगभग 8 बज रही है और 8 बजे के बाद नीचे भोजन करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमने पावागढ़ माता का दर्शन कर लिया है। बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा सफ़र रहा और हम वापस रिटर्न में आए हैं। तो हम नाइट में बड़ोली में रुके हैं और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे और सरदार सरोवर डैम भी देखेंगे। ये सरदार सरोवर डैम और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो भी शूट होगा वो दूसरे ब्लॉक पर होगा। अब हम सफ़र से बहुत थक गए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सेकेंड स्टेचू ऑफ यूनिटी का पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बने रहना। ये मेरा पहला ब्लॉग है टूर का, इसमें आपको ज़रूर पसंद करना, सबको बताना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, टेक केयर।